सत्ता अमृत है, सत्ता जहर है। सत्ता राजनीति की जौड़ी से गुजरने वाला सिंहासन का वो सर्वोच्च है जिसके शीर्ष पर प्रत्येक व्यक्ति विराजमान होना चाहता है। सत्ता के इस एपिसोड में आज हम मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी से। अविनाश पांडे जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश पांडे जी, जिस तरह के आज हालात हैं, 125 साल पुरानी कांग्रेस है लेकिन आज बड़ा संघर्ष का दौर है। ये संघर्ष का दौर किस तरह आगे इसको आप अंजाम देंगे, किस तरह ये मजबूत होगा, शक्ति कैसे जुटाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस की राह, इसकी स्थापना ही संघर्ष करने के लिए हुई थी और इस देश को संघर्ष के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने के लिए और आज़ादी दिलाने के लिए दी गई थी। शक्ति पार्टी को हमेशा इसके कार्यकर्ताओं से मिली है और कार्यकर्ता कांग्रेस का हमेशा जिन आचरणों पर, जिस विश्वास के साथ अपने नेतृत्व के प्रति और हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़कर कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा मजबूती से आगे बढ़ा है और वही हमारा सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और उसी शक्ति के आधार पर इस संघर्ष में भी हम सफल होंगे। अविनाश पांडे जी, जानना चाहते हैं आपसे प्रोजेक्ट शक्ति क्या है। ये प्रोजेक्ट शक्ति आम तौर पे आपने देखा होगा कि किसी भी, चाहे राजनीतिक संघ हो या किसी या कोई भी संगठना हो, उसकी ताकत सबसे बड़ी उसकी कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता हमेशा काम तो करता है लेकिन उसकी आवाज़ अपने नेतृत्व तक सीधी नहीं पहुंच पाती, उसे किसी न किसी के माध्यम से जाना होता है। ये प्रोजेक्ट शक्ति माननीय राहुल गांधी जी के अपने विचार किए हुए, क्योंकि कार्यकर्ता के साथ में उनकी सोच है कि जब तक के कार्यकर्ता सीधे तौर पर नेतृत्व के साथ नहीं जुड़ेगा, उसकी आवाज़, उसकी भावना, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी खुशी, जब तक के नेता को डायरेक्टली मालूम नहीं पड़ेगी, तब तक के उसका समाधान भी नहीं होगा और उस समाधान को निकालने के लिए जो निर्णय लेने होंगे, उस निर्णय में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। और इसीलिए राहुल जी ने इस शक्ति, प्रोजेक्ट शक्ति के नाम पर एक पायलट हमने अभी राजस्थान में शुरू किया है, जो कि पिछले 6 महीनों में, अगर आपने देखा होगा, तो कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम लिए गए। उन कार्यक्रमों के माध्यम से बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों की क्या पहचान और उनको दी गई जिम्मेदारी के संबंधित उनको प्रशिक्षण देने का एक कार्य हमने शुरू किया है, जो काफ़ी हद तक के आगे धीरे बढ़ रहा है। अब उन कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी भावना, वहाँ की समस्याएँ और साथ ही साथ संगठन के लिए कुछ ऐसे कुछ सुझाव हैं जो कार्यकर्ता डायरेक्टली अपने नेता को देना चाहते हैं, ताकि संगठन भी मजबूत हो और आने वाले समय में जिस संघर्ष का मुकाबला वो जमीन स्तर पर वो कर रहा है, उसकी जानकारी उनके नेता को भी हो। और इसीलिए राजस्थान में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक प्रोजेक्ट शक्ति हमने लॉन्च किया है। चुनाव पहचान पत्र का जो नंबर है, वोटर आईडी का, उस नंबर को सिर्फ आपको एक दिए हुए चिन्हित नंबर पर उसे सिर्फ एसएमएस करना है। उस एसएमएस के माध्यम से जो सिस्टम, जो एप्लीकेशन हमने किया हुआ है, उसके माध्यम से पूरा उस कार्यकर्ता का डाटा जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस कार्यालय में जमा हो जाएगा, जहां पर राहुल जी जिन नंबरों के आधार पर उस कार्यकर्ता के साथ में अपना सीधा संपर्क स्थापित कर सकेंगे। संदेश देना है, कुछ कार्यक्रम देना है, उनकी आवाज़ सुनना है, उसका नियंत्रण केंद्रीय कक्ष के माध्यम से उस कार्यक्रम साथ में संबंध स्थापित होगा। आपका एक कार्यक्रम है मेरा बूथ मेरा गौरव, हम ये जानना चाहते हैं जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी कैसे बन पाएगा? मेरा बूथ मेरा गौरव, देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता का अगर देखेंगे तो उसका गौरव होता है जब उसकी पार्टी विजयी हो, जीत हासिल करे, और उसमें सबसे गौरव उसे तब महसूस होता है कि जब वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ में अगर जुड़ता है और वहाँ के लोगों को अपने पार्टी के, अपने नेता के, अपने कार्यक्रमों के बारे में अगर अवगत कराता है और वहाँ पर उनका विश्वास हासिल कर अगर विजय हासिल करता है, क्योंकि किसी भी रणनीतिक चुनाव में, चुनावी रणक्षेत्र में
जीत होती है बूथ स्तर पर, और अगर बूथ स्तर पर हम जीतते हैं तभी हम उसे विधानसभा स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर और पार्लियामेंट स्तर पर हम जीतेंगे। अविनाश जी, पहले मुकुल वासनिक, फिर गुरदास कामत और अब अविनाश पांडे, ये प्रभारी कांग्रेस के जो राजस्थान लगते हैं महाराष्ट्र से क्यों होते हैं? ये कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई शगुन है या कोई अंदर कोई ऐसी रणनीति है? नहीं, ये तो आला कमान का निर्णय होता है, वो जिसे उचित समझता है, जिसे वो सक्षम समझता है उसको समय समय पर भेजा करते हैं। प्रभारी बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं, प्रभारी समय समय पर बदलते भी जाते हैं। और जो नाम आपने लिया, चाहे गुरदास कामत हों चाहे मुकुल वासनिक जी हों, ये भी छात्र और युवा आंदोलन से ही आए हुए नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आलाकमान के हाथों को मजबूती दे रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं और उनका भी अपना एक संगठन का अनुभव है। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये विशेष रूप से ये चुनावी वर्ष है और यहाँ पर जो संगठन को मजबूती के साथ साथ यहाँ पर विपक्ष की सरकार है और उस विपक्षी सरकार से मुकाबला करने के लिए संगठन को निश्चित रूप से और मजबूत करने की आवश्यकता है, और उसी लक्ष्य को लेकर, उसी कार्य को लेकर, उसी एजेंडा को लेकर आलाकमान ने मुझे यहाँ भेजा है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यहाँ के हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट सेल हैं, सभी संगठन काफ़ी चुस्ती के साथ इस चुनावी रणनीति में मुकाबला करने के लिए तैयार है। अविनाश पांडे जी, एक बात जानना चाहते हैं, 125 साल में कांग्रेस पहली बार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, जमीनी सिरे पर कांग्रेस अपने आप को कैसे मजबूत करेगी? मैं समझता हूं कि अभी जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं ये सब जमीनी स्तर पर ही चल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों का किसान आंदोलन, ये आंदोलन किसानों के बीच की उनकी समस्याओं को लेकर और उनके साथ, चाहे वो पदयात्रा हो, उनके उचित मूल्य दिलाने, आरोप लगाती है आपके ऊपर कि किसान खुश है, आप हवा देते हैं किसान। ये तो वास्तविकता, अगर गांव में या बाजार में हम चले जाएं तो आज पूरे देश का किसान और राजस्थान का किसान कोई अलग अलग भाषा नहीं बोल रहा है। किसान बुरी तरह त्रस्त है। अभी हाल ही में आपने देखा बॉम्बे में विधानसभा का घेराव किस प्रकार से किसानों ने किया। पिछले दिनों आपने देखा कि किसान के विभिन्न आंदोलन के माध्यम से उनकी समस्याओं को लेकर राजस्थान की सड़कों पर किसान किस तरह से उग्र होकर उतरे थे। और मैं समझता हूँ कि अगर उनकी इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये दूर नहीं, समय दूर नहीं कि जब एवं तुरंत ही आने वाले समय में किसानों को फिर एक बार उग्र आंदोलन करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसान आज आत्महत्या कर रहा है जो कि राजस्थान में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं हुआ। और ये अपने आप में गंभीर समस्या, और ऐसे इस प्रकार से हल्के में लेकर कि विपक्ष उसको हवा देने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और इसको उनको गंभीरता से लेकर उनकी समस्या हल करने में। जिस तरह हमने देखा कि सदन में लगातार कांग्रेस ने विरोध किया लेकिन सड़कों पर उतरने में उतनी बड़ी भूमिका नहीं रही जितनी सदन में घेरने में रही कांग्रेस की, इस चीज़ को मैं सही नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर देखा होगा तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, हमारे विपक्ष के नेता डूडी जी, सचिन पायलट जी और अन्य सभी राज्य के नेता पूरे किसान यात्रा को लेकर पदयात्रा उन्होंने की थी। एक बात जानना चाहते हैं अविनाश पांडे जी, आपका मुकाबला मोदी शाह की चैंपियन जोड़ी से जो लगातार जीतती जा रही है, इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? आपके पास एक सलामी बल्लेबाज है, दूसरा छोर पर बल्लेबाज कहीं दिखाई नहीं देता और सेकंड लाइन भी कांग्रेस की बहुत उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती जितने हमले वो कर देते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपको गौर करना होगा, कांग्रेस में बहुत ही राहुल जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर भी हमारे पास में बहुत ही सक्षम नेतृत्व है। कांग्रेस ने प्रदेश का नेतृत्व समय समय पर दिया हुआ है और आज भी राजस्थान की जनता ये जानती है कि पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में जो कार्य लोक हित में और लोगों की भलाई के लिए जो कार्यक्रम कांग्रेस ने दिए थे उसका स्मरण आज भी लोग कर रहे हैं। पिछले 4 साल की भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ पर है, उस सरकार की विफलताएं ही सिर्फ लोगों को दुख नहीं दे रही बल्कि आज राजस्थान की जनता बेचैन है। आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, वो इससे निजात पाना चाहती है और इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार किया है। यहाँ पर नेतृत्व जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हमारे पास में एक मजबूत नेतृत्व है।
जो जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं और लोगों का विश्वास उनके। लेकिन अविनाश जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता को और तमाम राजस्थान के लोगों को इस बात का इंतजार है कि स्पष्ट भूमिका अभी कांग्रेस नहीं कर पाई है, चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, अशोक गहलोत के नेतृत्व में होगा या पायलट के नेतृत्व। इस चीज को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस में हमेशा चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व के ही आधार पर होता है। राजस्थान में 2018 का होने वाला विधानसभा का चुनाव माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, प्रदेश के जितने भी हमारे शीर्ष नेतागण हैं, चाहे सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी और अन्य सभी काफ़ी नेता लोग हैं, इनकी पूरी टीम जो है एक साथ राहुल जी के नेतृत्व में इस चुनाव का मार्गदर्शन करेगी, इस चुनाव को लेकर आगे बढ़ेगी। महाधिवेशन ने कांग्रेस में नई जान फूंकने का प्रयास किया है, दरअसल ये कैसा प्रयास है और ये संदेश कार्यकर्ता पर क्या पहुंचा है, आपके पास वापसी में क्या जवाब आया? ये महाधिवेशन हमारे माननीय राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में, ये जो महाधिवेशन, ये पहला महाधिवेशन था जहां पर ना ही सिर्फ कार्यकर्ता जो वहां पर उपस्थित थे बल्कि पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता एकाग्रता के साथ में और बड़ी उम्मीद के साथ इस अधिवेशन के संदेश की ओर देख रहे थे। और हम, मुझे खुशी है कि माननीय राहुल गांधी जी ने इन दो दिनों में, पिछले महाधिवेशन में, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधन देते हुए और पूरे देश के आगे में आने वाली हमारी रणनीति क्या होगी, हमारा रोड मैप क्या होगा, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे बेरोजगार युवकों से संबंधित हो, चाहे हमारे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की का रोड मैप आगे में क्या होगा, संघर्ष के लिए जहाँ पर जहाँ हम विपक्ष में हैं वहाँ पर उन विपक्षी राज्यों में हमें किस प्रकार से मुकाबला करना है, जहाँ पर हम सत्ता में हैं वहाँ की जनता के लिए के हित में हमें कौन कौन से कार्यक्रम सफल बनाना है, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर काफ़ी विस्तार में राहुल जी ने जो संदेश पूरे कार्यकर्ताओं को दिया है, ये सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला संदेश रहा है। लेकिन महाधिवेशन को भाजपा ने कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा आप एजेंसी के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है जो वो सिर्फ चुनाव लड़ने की एक मशीन है और कांग्रेस इस चीज़ को कभी नहीं मानती। कांग्रेस हमेशा जनता के विश्वास को हासिल करने के लिए जनता के बीच में जाकर कार्य करने पर विश्वास रखती है, ना कि किसी प्रकार की मशीन या एजेंसी के माध्यम से चुनाव लड़ने की। और आने वाले चुनाव में भी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो टीम हमारी राजस्थान में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ में मेरे चार सेक्रेटरी महोदय भी हैं और इन्हीं के साथ साथ में हमारे राज्य स्तर पर सचिन जी के नेतृत्व में हमारी युवक कांग्रेस, NSY, सेवा दल, महिला फ्रंट और हमारे जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे डिपार्टमेंट्स और सेल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेल, हर एक सेगमेंट को, हर एक क्षेत्र में बहुत ही सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है और वो हमारी असली ताकत है और वो हमारी असली एजेंसी है। अविनाश पांडे जी, आपके प्रभारी काल में राजस्थान में उपचुनावों में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की, ये आपके लिए एक बहुत खुशी की बात है, और लेकिन आगे ये जीत कैसे बरकरार रहेगी ये भी आपको सोचना। चुनाव जब आए तो ये तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए हुए थे, ये दोनों लोकसभा और एक विधानसभा में। जब उपचुनाव घोषित हुए तो उस समय भी लोगों को यही विश्वास दिलाया जा रहा था कि आज जो चुनाव लड़ने की मशीन, जैसा आपने कहा कि भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी इन तीनों चुनावों को जीतने जा रही है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इस चुनाव में जो जीत हासिल हुई है ये प्रमुख रूप से राजस्थान की जनता की जीत है, उनकी भावनाओं की जीत है और उनका आज की वर्तमान सरकार यहाँ पर स्थापित है उसके प्रति उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी है। दूसरी सबसे बड़ी ये जीत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने एकजुट होकर और जिस मुस्तैदी के साथ इस चुनाव में विपक्ष का मुकाबला किया, चाहे शायद ही ऐसा कोई घर, गली या ऐसा कोई वार्ड छूटा होगा जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने ताकत पर, अपने स्वयं के हिम्मत पर वहां पर कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। ये आपके प्रभारी काल में इतनी बड़ी जीत होना, और आपको लगता है ये आपका खाता खुल चुका है, आप पूरी तरह विश्वस्त हैं कि जब चुनाव होगा तो आप बड़ी बल्लेबाजी करने में कामयाब होंगे? निश्चित रूप से, देखिए चुनाव के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 6 महीने हैं जब चुनाव के लिए हमको सबको आगे जाना है
और ये जो तीन उपचुनाव थे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता किस पार्टी के राज्य को चाहती है, किस विचारधारा को चाहती है और किस पर अपना विश्वास रखती है। आपने देखा होगा कि पिछले 4 सालों में 21 विधानसभा अगर लें आप तो 2 लोकसभा के साथ साथ 19 विधानसभाओं के चुनाव हुए, और अगर हम देखें तो इसमें 21 विधानसभाएं आती हैं जिसमें से कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में 17 के 17 विधानसभाओं में जीत हासिल की, और उसके अलावा भी जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में भी तीनों चुनावों को कांग्रेस ने जीती। एक स्पष्टीकरण हम आपसे चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी लंबे दौर तक रहे हैं। जब कांग्रेस छोटी सी गलती करती है तो भाजपा उसको बहुत बड़ा बना देती है, लेकिन वो बड़ी गलती करते हैं तब भी आप उसको भुना नहीं पाते, मुद्दों पर कांग्रेस को बीजेपी को घेर नहीं पाते, ये क्या बड़ा कारण है? यहाँ पे मैं जरूर आपकी बात से कुछ हद तक के मैं सहमत रहूँगा कि कांग्रेस हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के पे विश्वास रखती है, सकारात्मक क्रिटिज्म पे विश्वास रखती है। कांग्रेस हमेशा एक सकारात्मक विपक्ष की रोल का रोल करना चाहती है, और इसीलिए जनता के बीच में जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो हमारे मूल्य हैं कांग्रेस के, वो मूल्य के आधार पर एक लिमिट, एक सीमा के आगे जाके कांग्रेस कभी भी वार नहीं करती, उससे नीचे हमला नहीं करती। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ समस्याओं को लेकर हमारी कमियां रही हों, एक विपक्ष की आप छोटी सी गलती करते हैं वो इतना बड़ा बना देते हैं, लेकिन जब आप वो बहुत बड़ी गलती करते हैं तब आप उसको उस तरह से नहीं घेर पाते। इसके लिए आपने जो कहा, जो आने वाले इन दिनों में हमको उस चीज़ में और ज़्यादा तीखा और ज़्यादा पॉइंटेड और ज़्यादा प्रखर होना होगा। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप भी लगता है कि कांग्रेस में ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं की कमी है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल नकारता हूँ। कांग्रेस में कार्यकर्ता, आज जो भी नेता हैं वो सब जमीनी स्तर पर कार्य कर ही ऊपर आए हुए हैं, और प्रदेश की जनता ने उनको पसंद किया है, उन पर विश्वास रखना दिखाया और उनको उन्होंने एक नेता बनाया है। तो ये कांग्रेस का सौभाग्य है कि राजस्थान, चाहे राजस्थान हो या अन्य प्रदेश हो, हमारे अधिकांश नेता जो हैं वो जमीनी स्तर सर कार्यकर्ता की हैसियत से उठकर आए हुए हैं। कोई भी नेता का आप ले लें, आप पाएंगे कि वो एक सामान्य स्थिति से उठकर एक कार्यकर्ता के रूप में बढ़कर आज यहाँ पर आया हुआ है, और इसीलिए ये गलत प्रचार करने का प्रयत्न किया जाता है कि कांग्रेस में इस प्रकार से ड्राइंग रूम में बैठने वाले नेता हैं। बल्कि हर सड़क पर आप देखें, आज हमारे 33 जिलों के अंदर में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर चाहे अलग अलग समस्याओं के ऊपर कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट शक्ति हो, हमारा मेरा बूथ मेरा गौरव हो, चाहे कांग्रेस सशक्तिकरण कार्यक्रम हो, चाहे हमारे विधानसभा के तैयारी से संबंधित जो कार्य हो, हर स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उसका वो बहुत बड़ा दिखावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही सिंसेरिटी के साथ, गंभीरता के साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता कार्य तैयारी में जुटा हुआ है। और मुझे गर्व है कि ये कार्यकर्ता, जैसा आपने कहा कि छोटी सी गलती हम करते हैं तो उसको वो बहुत बड़ा बताते हैं, और वो बड़ी गलती भी करते हैं तो हम नहीं बतला पाते हैं, उस दिशा में निश्चित रूप से हमको और ज़्यादा मुखर और उग्र होने की आवश्यकता है। इस चीज़ को मैं आपकी मान्य करता हूँ। भाजपा ने आपके परंपरागत वोटर को तोड़ा है, आप दोबारा कैसे जुड़ेंगे? झूठ बोलकर, झूठे वादे कर लोगों को लोक लुभावन, अलग अलग लालच देकर लोगों को भटकाया गया है, उन्हें भुलाया गया है, उन्हें छलाया गया है, तो इसको हम भटकना नहीं कहते। उस समय में जरूर कांग्रेस से ये लोग, जो भी हमारे वोटर्स थे, हमारे आम जनता ने कांग्रेस पर अविश्वास दिखलाया, लेकिन आज कांग्रेस से हर समाज का, पूरे 36 कौम के जो लोग हैं कांग्रेस पर अपना विश्वास रखते हैं, और कांग्रेस का आज नहीं, जो 132 साल पुरानी जो पार्टी है, उस पार्टी के प्रति, उसका दिए हुए काम के प्रति उसको अलग से सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कार्यकाल देखा है कांग्रेस का कि जहां पर ना ही सिर्फ वादे बल्कि उन वादों को अमल कर लोगों के बीच में, राजस्थान की सरकार ने ऐसा उदाहरण पेश किया, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हों, चाहे यहाँ से शिक्षा संबंधित योजनाएं हों, यहाँ के किसानों का या हमारे इरिगेशन संबंधित योजनाएं, जो बाकी के राज्यों ने जिसे कॉपी करने की कोशिश की, तो एक मिसाल कांग्रेस ने कायम की हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो लोग हमसे किसी न किसी कारण से कुछ समय के लिए रूठे जरूर होंगे,
लेकिन हमसे नाराज नहीं है और आज कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस सुरक्षात्मक रवैया अपनाती रही हमेशा। तीन तलाक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। कांग्रेस की एक नीति बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस हर धर्म, हर जाति, हर हमारी जो भी हमारी परंपराएं हैं उसका सम्मान करती है। तीन तलाक के विरोध में कांग्रेस बोल रही है, ये कहना गलत है। तीन तलाक के मसले में जो उस कानून के अंतर्गत जो नियोजन किए गए, ना ये बिल्कुल गलत प्रचार है। जिन धाराओं के माध्यम से हमारी बहनों का को मिलने वाला जो सपोर्ट है वो और भी आधारहीन हो जाएगा कि अगर जो कमाने वाला या जिसके माध्यम से वो अपना सपोर्ट या मदद चाहती हैं या जिससे गुजारा भत्ता चाहती हैं या जिससे संबंधित जो आगे की उन्हें मदद की आवश्यकता है, अगर उस व्यक्ति को ही आप जेल में डाल दें। इसमें संशोधन जो हैं उन संशोधन को वास्तविकता को भी मद्देनजर रखते हुए किया जाए, ना कि इसका विरोध किया है बल्कि उसके समर्थन में ही उसको और मजबूत किया जाए ताकि जिनके लिए ये कानून बन रहा है उनको वाकई में मदद मिल सके। बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि आप ड्राफ्ट कोई ऐसा कांग्रेस ने हमें सजेस्ट नहीं किया कि कोई बड़ा ड्राफ्ट दे पाते कि क्या सुधार करने हैं तीन तलाक के मुद्दे पर। मैं समझता हूं कि इसमें जितने भी नियोजन किए गए हैं, जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं, ये अपने आप में ड्राफ्ट क्या इससे संबंधित संशोधन वो खुद पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से उठा के हम देख लें कि उसमें जो संशोधन दिए गए हैं वो कांग्रेस ने सही आधार पर दिए हैं या नहीं दिए हैं। उसके लिए कोई लंबा चौड़ा ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं, गलत प्रचार है। ये फिर से समाज को बांटने की, तोड़ने की और फिर से जाति संबंधित बैर फैलाने का जो बीजेपी का हमेशा से हथकंडा रहा है उसी का एक ये उदाहरण है। जीएसटी का लोग विरोध करते हैं, कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस का आज भी यही कहना है कि जीएसटी पूरे देश के लिए, कांग्रेस ने जो कानून लाया था कि पूरे देश में एक टैक्स हो, पूरे देश में एक प्रकार का टैक्स लागू किया जाए और लोगों को मदद की जाए, आज भी कांग्रेस उसी एक टैक्स पर कायम है। कांग्रेस के उस जीएसटी के बिल को वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस प्रकार से तोड़ मड़ोकर उसका पूरा जो उसके जो बॉडी है, स्ट्रक्चर बॉडी है, जो उसकी आत्मा है, उसी को ही भ्रष्ट कर दिया है। और स्वाभाविक है कि ये जो आज का प्रेजेंट जीएसटी का ढांचा है वह और कांग्रेस के ढांचे में बहुत फर्क है। कांग्रेस का जीएसटी का ढांचा जो था वो व्यापारी, जनता, आम आदमी, उत्पादक, हर एक की आत्माओं को जोड़ने वाला बिल था और आज का बीजेपी का जो बिल है वो हर एक को दूर करने वाला, बिखराव देने वाला, नष्ट करने वाला बिल है। और इसीलिए कांग्रेस, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने भी इस चीज़ को खुले रूप से कहा है और मैं यहाँ दोहराऊंगा कि कांग्रेस जब सत्ता पे आएगी तो कांग्रेस इस जीएसटी के बिल में भी सुधारणा करके इसे फिर से देश को वाकई में जोड़ने वाला बिल बनाएगी। लोगों को उम्मीद थी कि आप नोटबंदी के मुद्दे पर प्रखर होकर बोलेंगे, लेकिन आपका विरोध उतना व्यापक नहीं रहा जितना लोगों को उम्मीद थी। ऐसा एक भी शहर, एक भी गांव नहीं होगा जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नोटबंदी से पीड़ित लोगों के साथ में खड़े ना हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारे जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हों, उनकी पूरी हमारे कार्यकर्ताओं की टीम हो। इस तुगलकी निर्णय का विरोध हमने गांव-गांव में जाकर किया हुआ है, लेकिन इस सरकार ने इस देश को ये संदेश देने की कोशिश की कि नोटबंदी से अगर बड़े आदमी का नुकसान होता है तो उसे देख कर उस पैसे को लेकर वो गरीबों को दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उस नोटबंदी के पीछे की मंशा क्या थी। पिछले दिनों के जितने भी बैंकों के एपिसोड हैं अगर आप देखेंगे तो उन पैसों को जमा कर जिस पैसे का हिसाब आज तक वर्तमान सरकार नहीं दे पाई कि उसमें कितने पैसे जमा हुए, कितने पैसे आना बाकी हैं या कितने पैसे नकली नोट जमा हुए, लेकिन उसके बावजूद बैंकों में जो पैसे जमा हुए वो आज नीरव मोदी और अन्य, आप सभी के नाम आप रोज पेपरों में पढ़ रहे हैं, रोज में देख रहे हैं कि बैंकों में ये कई लाखों का घोटाला जो है, जो सरकार की नज़र में उनके पूरे नॉलेज के साथ में जो घोटाले हुए हैं ये किसका पैसा है। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं, आने वाला कल क्या कहता है, कांग्रेस कैसे लौटेगी सत्ता के गलियारों तक और जनता के मन तक? हमें पूरा विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं पर, देश की जनता पर और हमारे नेतृत्व, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर। जिस गति से और जिस विश्वास के साथ में हम पार्टी को लेकर और देश की जनता को, जन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आगे का नियोजन जो हमने योजना बनाई है,
निश्चित रूप से देश की जनता फिर एक बार कांग्रेस को पसंद करेगी, कांग्रेस के नेतृत्व पर अपना विश्वास बतलाएगी और कांग्रेस को इस देश की और राजस्थान प्रदेश की सेवा करने का मौका देगी, पूर्ण विश्वास है। इस तेवर को कांग्रेस कैसे बरकरार रखेगी ये चुनाव बताएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सत्ता के अगले एपिसोड में राजनीति की एक और शख्सियत। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।